स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मेरे पास गाड़ी है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का 2.0 वाला वेरिएंट। ये जो सामने आप कलर देख रहे हैं ये है ग्लॉसी ब्लैक कलर और ये एक कम्यूटर बाइक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी के विषय में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इस गाड़ी का प्राइस कितना है, माइलेज कितना है, टॉप स्पीड कितनी है, कितने सीसी का इंजन लगा हुआ है, पहले की जो एक्सटेक आती थी उससे इस गाड़ी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के प्राइस से। इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 82,000 रुपया है। ऑन रोड ये गाड़ी आपको 98,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगी। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, आप शोरूम में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो इस गाड़ी के फ्रंट में आपको अब दोनों तरफ DRLs देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से फुल LED हेडलाइट देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन इंडिकेटर आपको हैलोजन बल्ब में ही देखने के लिए मिलेंगे। टेल लाइट भी आपको हैलोजन बल्ब में देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद बात करें इस गाड़ी के इंजन की, तो इस गाड़ी में 97 CC का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर की बात की जाए 8.2 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 8.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। इसके बाद बात करें इस गाड़ी के सीट की, तो यहाँ पर आपको सिंगल सीट मिलने वाली है। इसकी कुशनिंग ठीक ठाक है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पिलियन की सेफ्टी के लिए ग्रैब रेल दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करें टेल लाइट की, तो टेल लाइट आपको हैलोजन बल्ब में मिल जाती है, LED नहीं दिया गया है। इंडिकेटर भी आपको हैलोजन बल्ब में मिलने वाले हैं। बात करें इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की, तो 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, 70+ की माइलेज मिल जाती है। एक बार अगर आप इस गाड़ी के टैंक को फुल करा लेते हैं तो ये गाड़ी आपको 700 किलोमीटर के आसपास ले जा सकती है। बात करें इस गाड़ी के फ्रंट टायर साइज की, तो 80x118 इंच का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। रियर में आपको 80x118 इंच का यहाँ पर भी ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। बात करें फ्रंट ब्रेक की, तो यहाँ पर आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। रियर में भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। डिस्क नहीं दिया गया है इस वेरिएंट में। इसके बाद बात करें इस गाड़ी के फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है, बड़ा सा एग्जॉस्ट पाइप देखने के लिए मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 2 स्टैंड मिल जाते हैं, सिंगल स्टैंड, डबल स्टैंड। सिंगल स्टैंड में आपका स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है, जब तक ये स्टैंड लगा रहेगा आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली है। बात करें इस गाड़ी में और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, स्टैंड कट ऑफ का फीचर दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, पावर स्टार्ट के साथ साथ किक का भी ऑप्शन दिया गया है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। बात करें इस गाड़ी के गियर बॉक्स की, तो यहाँ पर आपको 4-speed गियर बॉक्स मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करें तो 100 टच कर सकती है। इसके बाद बात करें इस गाड़ी के मीटर कंसोल की, तो यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलने वाला है। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल बताएगा, ट्रिप मीटर बताएगा, टाइम बताएगा, इसके बाद इंजन वार्निंग लाइट बताएगा, न्यूट्रल का सिग्नल बताएगा, फ्यूल का सिग्नल बताएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है, वहाँ से आप इसको मीटर कंसोल को सेट कर सकते हैं। साइड में आपको USB चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है यहाँ पर लेफ्ट साइड में। इसके बाद बात करें इस गाड़ी के डायमेंशन की, तो इस गाड़ी में आपको 720 mm की विड्थ मिल जाती है, 2000 mm की लेंथ मिल जाती है, 785 mm की सीट हाइट मिल जाती है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 112 kg का कर्व वेट देखने के लिए मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 82,000 रुपये पड़ जाएगा। ऑन रोड ये गाड़ी आपको 98,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगी। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, आप शोरूम में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर शोरूम का प्राइस अलग होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये गाड़ी हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का 2.0 वाला वेरियंट आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।